हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से आप प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता लेकर ईवीएम मशीन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हीं का वोट उन्हें नहीं मिल पाया है। इसके अलावा धमतरी कुरुस से एक प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया है कि उनका वोट उन्हें नहीं मिला। प्रेस वार्ता के दौरान संजीत विश्वकर्मा ने मीडिया के समक्ष अपनी बात इस प्रकार से रखी है। देखिए सर, मैं आज जो 3 तारीख को जो मतगणना हुई है 3 दिसंबर को, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मैं भी प्रत्याशी था आम आदमी पार्टी की ओर से। वहाँ पर जो मतदान के समय में जो जिन नियमों का पालन किया जाना था उनका पालन नहीं हुआ है। लगातार बीजेपी के लोगों की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया, वहाँ पर लगातार हंगामा किया गया, उपद्रव किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात की सबसे प्रमुख और अहम बात कि जो वीवीपैट जो मतदान पर्ची जो निकलता है वोटिंग के समय में, उन पर्चियों का 10% मिलान किया जाना था जो कि नहीं हुआ। ये ईवीएम मशीन के जो वोट काउंटिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि इस बार ईवीएम मशीन में बहुत बड़ा हेर फेर हुआ है। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस बूथ से मैं खुद निवास करता हूँ, जिस बूथ में मैं रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग 20 लोग हैं, मात्र 14 वोट मुझे मिला है। कि ये बहुत बहुत ही बड़ा प्रश्न ईवीएम मशीन के ऊपर पैदा हो गया कि अगर इस तरह की भावना के साथ लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी तो वोट करने का अधिकार जो जनता को मिला हुआ है, ये जनता के मत के अधिकार का अपमान है। मैं चुनाव आयोग से भी इस बात की अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि इसकी जाँच करें, ईवीएम मशीन की जाँच कर इस पर पुनः मतदान की गणना करें और जो वीवीपैट से जो मत पर्चियाँ निकली गई हैं उनका मिलान करें, क्योंकि बिना उसके मिलान के ये चीज़ संभव नहीं है कि उनकी पारदर्शिता स्पष्ट हो पाए। इसी के संदर्भ में धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में भी एक प्रत्याशी जिसे उसके बूथ में उसका खुद का भी वोट, यानी कि बूथ में 0 वोट पड़े हैं, उसके परिवार में 6 लोग रहते हैं और लगभग 140 से अधिक मतदाता उसके परिवार के समाज के उसके गाँव में रहते हैं, उसको वहाँ से 0 वोट मिलना ईवीएम मशीन पर सीधे सवाल खड़ा करता है कि ईवीएम मशीन बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है, ईवीएम मशीन से मतदान नहीं होना चाहिए, पुनः बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आने वाले समय में अगर चुनाव होता है इसी तरीका अगर माहौल बना रहा तो निश्चित ही लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और लोग मतदान चाहे किसी को भी करेंगे, वोट उसी को मिलेगा जिसे जिताना है, जिसे बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर बीजेपी चाहेगी वो जीत कर आएगा और वो काम करेगा। देखिए, अभी हमने चुनाव अधिकारी के सामने हमने शिकायत की है, अभी हाईकोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे, हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, जिससे जो चैनल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा।